ये तस्वीरें देर रात बाड़मेर की है, जहां देर रात एक युवक और युवती ने जबरदस्त हंगामा कर दिया और एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंधरी चौराहे एक युवक व एक युवती ने देर रात हंगामा किया और कैंपर गाड़ी से टक्कर मारकर एक युवक को घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार देर रात सिंधरी चौराहे पर शराब ठेकी के पास एक युवक व एक युवती कैंपर गाड़ी में आए और तेज गति से गाड़ी को भगाया। इससे कुछ बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी रमेश शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। डीएसपी ने बताया कि आरोपी देवाराम पुत्र गोरखा राम निवासी साइयों का तला हाल निवासी रामनगर ने तेज गति से कैंपर गाड़ी चलाते हुए मनोज पुत्र मेगाराम निवासी भियाड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे मनोज घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवती भी सामने आ रही है। युवती की तलाश की जा रही है। डीएसपी शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान कुछ और लोग भी चोटिल हुए हैं और दुपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वीडियो में युवक से हाथापाई करते दिख रहे युवक युवती। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक व युवती एक युवक के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के हाथ से लाठी छीनने के प्रयास में युवती गालियां दे रही है और युवक दौड़कर गाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की जबरदस्त भीड़ भी नजर आ रही है।